सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम लोग कवर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भौतिकी का एक चैप्टर है, सरल लोलक तरंग एवं ध्वनि, मिस सिंपल पेंडुलम वेव मोशंस एंड साउंड। तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग कवर करेंगे आवर्ती गति क्या होती है, कंपनी गति क्या होती है, सरल लोलक से आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है वो पढ़ेंगे, सेकेंड लोलक क्या होता है, सरल आवर्ती गति क्या होती है, तरंग गति क्या होती है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, प्रतिध्वनि क्या होती हैं, इतना सब डिफिनेशंस कवर करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर का न्यूमेरिकल को भी टच करेंगे, मिस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से लगाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी टच करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आवर्ती गति, मिस पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति क्या होती है, देखिए जब कोई पिंड एक निश्चित दिशा में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। सेकंड देखिए कंपनिक गति, मिस वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति को कंपनिक या दोलन गति कहते हैं। जैसे एक डायग्राम देखिए, मान लीजिए कोई छड़ है और कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, पिंड को धागे से बांधकर इस छड़ से लटका दिया गया, ठीक है। मिस इस पिंड को ओ से ए दूरी तक ला रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, उस फिर ए से ओ तक आ रही है, फिर ओ से बी तक जा रही है एंड बी से ओ तक आ रही है, ठीक है। मिस यदि ओ से ए तक जाना फिर ए से ओ तक आना एक दोलन अथवा एक कंपन कहलाता है, या ओ से बी तक जाना और बी से ओ तक आना एक कंपन या एक दोलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, मिस फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, ठीक है। अतः सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, सरल लोलक की लंबाई स्मॉल एल तथा आवर्तकाल की वर्ग मिस टी स्क्वायर के बीच बना ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे इसका ग्राफ देखिए, एक ग्राफ बना है लंबाई एंड वो उसके आवर्तकाल के बीच में एक ग्राफ बना गया है, तो जो ग्राफ मिलती है वो सीधी रेखा में मिलती है, मिस ए सत्यापित हो जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है सेकेंड लोलक, मिस सेकेंड पेंडुलम क्या होती है। देखिए वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक कहलाता है, सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग 1 मीटर होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, मिस इम्पोर्टेंस डिफिनीशंस रिलेटेड टू द पीरियोडिक मोशंस क्या होती हैं। देखिए जैसे है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होती है, एक वस्तु दोलन करने में जितना समय लेती है उसे उसके दोलन का आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। मिस पीछे जो डायग्राम में अभी हम देखे हैं कि वस्तु 0 O से A तक जा रही है फिर ए से ओ तक आ रही थी, ये डिस्टेंस तय करने में जितनी समय लगती है उस वस्तु को उसे कहते हैं उस वस्तु का आवर्तकाल टी, टी इक्वल टू होता है 2π√L/g, ठीक है। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है आवृत्ति, मिस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है, इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में n दोलन तय करे तो दोलन का समय टी इक्वल टू 1/n, अतः आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विस्थापन, मिस डिस्प्लेसमेंट। दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को विस्थापन करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयाम, मिस एम्पलीट्यूड क्या होता है। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर अधिक से अधिक जितनी दूरी तय कर जाती है करती है वह दूरी का आयाम कहलाता है। मिस समझिए कोई वस्तु दोलन कर रही है, ठीक है, तो वो अपनी साम्य स्थिति जैसे ओ से मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा रही है, ठीक है, वही उस वस्तु की आयाम कहलाती है। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरल आवर्त गति, मिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति में ए है, यह गति एक स्थिर बिंदु मिस साम्य स्थिति के इधर उधर सीधी रेखा में होता है। बी, गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस बिंदु मिस साम्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। एंड सी है, त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे पास एक टेबल है, एक सारणी है, मिस इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, जैसे कण का वेग कण के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर न्यूनतम होता है, माध्य स्थिति पर महत्तम होता है,
एंड कड़ के ऋणात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर न्यूनतम होता है। सेकंड देखिए कड़ का त्वरण, कड़ के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर महत्तम मापांक ए होता है, माध्य स्थिति पर न्यूनतम 0 होता है, कड़ की ऋणात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर महत्तम मापांक ए होता है, ठीक है। थर्ड देखिए कड़ का विस्थापन, कड़ के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर महत्तम मापांक कैपिटल ए होता है, माध्य स्थिति पर न्यूनतम 0 होता है एंड कड़ की ऋणात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर महत्तम मापांक कैपिटल ए होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तरंग गति मीन्स वेव मोशंस क्या होती हैं, तरंग गति का डिफिनेशन क्या होता है और क्या क्या इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। देखिए जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो वह वस्तु माध्यम के उन कणों को गतिमान कर देती है जो उसके समीप होते हैं। इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति कहलाती है। तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। आगे वाले कणों की गति कुछ समय बाद पीछे वाले कणों की गति के समान हो जाती है। तरंग के रूप में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है जबकि माध्यम के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है अनुप्रस्थ तरंग मीन्स ट्रांसवर्ब वेव्स क्या होती हैं। वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। मीन्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंग यह है तो जो तरंग जिसमें जो इसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग के लंबवत कंपन करते हैं और ये तरंगें श्रृंग तथा गर्त के रूप में उत्पन्न होती हैं। मीन्स उठी हुए भाग को श्रृंग तथा दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। जैसे जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। सितार के वायर में उत्पन्न कंपनों में अनुप्रस्थ पैदा होती है। मीन्स जो सितार होते हैं या गिटार होते हैं वो जो उनकी स्प्रिंग या तार में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। उनके भीतर नहीं, ये तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। मीन्स अनुप्रस्थ तरंगें हमेशा ठोसों और द्रव में उत्पन्न की जाती हैं, गैसों में उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो अनुदर्ध तरंगें मीन्स लॉन्गिट्यूडियल वेव्स क्या होती हैं। देखिए अनुदर्ध तरंगे में क्या होती थी कि माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते थे और इसमें देखिए क्या कह रहा है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं अनुदर्ध तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे संपीडन तथा विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं और वो तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे थी वो श्रृंग तथा गर्त के रूप में आगे बढ़ती थी। उठे हुए भाग को श्रृंग तथा दबे हुए भाग को गर्त कहा जाता था। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदर्ध तरंगे होती हैं। स्वरित द्विभुज उत्पन्न तरंगे अनुदर्ध तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों में कुछ बिंदुओं पर संपीडन तथा कुछ बिंदुओं पर हवा का घनत्व और दाब सामान्य की अपेक्षा अधिक होते हैं जबकि विरलन वाले बिंदुओं पर घनत्व और दाब कम होते हैं। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द वेव्स। ये है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी क्या होती है वो देखिए। जैसे एक सेकेंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है और इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी है तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ। माध्यम के कण एक कंपन करने में लगे समय तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। और दो निकटतम संपीडनों तथा विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंड्स अब जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है तरंग चाल मीन्स वेव स्पीड क्या होती है। तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल कहते हैं और इसे स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तरंग चाल आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध मीन्स रिलेशंस बिटवीन वेव स्पीड फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ। इनमें क्या रिलेशंस होता है, देखिए वी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा होता है। यहाँ से दो दो फार्मूला आप और बना सकते हैं, जैसे एन इक्वल टू वी अपान लैम्डा हो जाएगा एंड लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान एन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ वी वेग है, एन आवृत्ति है एंड लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है तरंग की ऊर्जा तथा तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी ऑफ दी वेव्स। इसकी वेव क्या होती है तरंग की, देखिए किसी स्थान पर तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता आई कंपन के आयाम मीन्स ए के वर्ग के समानुपाती होता है। मीन्स तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम का स्क्वायर के, ठीक है। यदि आयाम बढ़ रहा है तो तीव्रता बढ़ेगी, यदि आयाम घट रहा है तो तीव्रता घटेगी, यदि तीव्रता घट रही है तो आयाम घटेगी और यदि तीव्रता बढ़ रही है तो आयाम भी बढ़ेगी, ठीक है।
फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग है, मिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं वो देखिए। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ इस प्रकार की भी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स अपने पास एक सारणी एक टेबल है और इसमें तरंगे हैं, इस विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, आपको इसमें यह बताया जा रहा है कि इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना है और इनका उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है दीर्घ तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य 10^7 से 10^3 मीटर तक होता है और ये 2 लीटर विद्युत परिपथ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। सेकंड है रेडियो तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य 10^5 से 10^-1 मीटर तक होता है और ये 2 लीटर द्वारा निर्वात नलिका में या 2 लीटर द्वारा उत्पन्न की जाती है। थर्ड माइक्रो तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य 1 से 10^-4 मीटर तक होता है और ये निर्वात नलिका में 2 लीटर द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। फोर्थ है ऊष्मीय तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य होता है 10^-3 से 7.8×10^-7 मीटर तक होता है और ये गर्म वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। फिफ्थ है दृश्य तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य 7.8×10^-7 से 3.9×10^-7 मीटर तक होता है और इनका उत्पत्ति मिस ए ताप दीप्त वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। सिक्स है परावैगनी तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य 3.9×10^-7 से 10^-9 मीटर तक होता है, ये सूर्य तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। सेवंथ है एक्स तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य 10^-8 से 10^-12 मीटर तक होता है और ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। एट है गामा तरंगे, इनका तरंग दैर्ध्य 10^-8 से 10^-14 मीटर तक होता है और ये परमाणुओं के नाभिकों के विकिरण होने पर उत्पन्न होती हैं। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है यांत्रिक तरंगे, मिस मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। देखिए वे तरंगे जो किसी पार्थिविक माध्यम, जैसे पार्थिविक माध्यम में ठोस, द्रव तथा गैस हो सकते हैं, वे तरंगे जो किसी पार्थिविक माध्यम में संचरित होती हैं यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं और यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स क्या होती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे ही हैं क्योंकि ये किसी माध्यम में संचरित होती हैं। ध्वनि तरंगों को आवृत्तियों के आधार पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे श्रव्य तरंगे, ऑडियोबल वेव्स क्या होती हैं, इन तरंगों को सुना जा सकता है और इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है। अपश्रव्य तरंगे मीन्स इन्फ्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, इन तरंगों को स्पष्ट नहीं सुना जा सकता है और इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। प्रश्रव्य तरंगे मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, इन तरंगों को स्पष्ट नहीं सुना जा सकता है, इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इनकी तरंगों का उपयोग गठिया रोग, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाया जाता है लगाने के लिए किया जाता है। इन तरंगों से समुद्र की गहराई तथा समुद्र में डूबी हुई चट्टानों, मछलियों तथा पनडुब्बियों की स्थिति ज्ञात करने में की जा सकती है, मिस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करते हैं कि नहीं, तथा पृथ्वी से उड़ते हुए हवाई जहाज की पृथ्वी से ऊंचाई नापने के लिए परास्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है और इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखिए ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, मिस इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द साउंड। ए, वायु में जलवाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। बी, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। डी, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई, और इसका फार्मूला देखिए वी प्रोपोर्शनल होता है 1/√d। ई, ध्वनि की चाल वी इक्वल टू √E/d, जहां ई माध्यम की प्रत्यास्थता है एंड एफ है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, मिस दोनों बदल जाते हैं, ध्वनि की चाल भी बदल जाती है और उसका तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। जी, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1460 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में 5100 मीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप इसको याद रखिएगा। कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं कि ध्वनि की चाल निम्न में से होती है, दे देगा इतना, ठोस में कितना होती है, द्रव में कितना होती है और गैस में कितना होती है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है,
धवन की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, किसमें? ठोस में होती है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है? 1460 मीटर प्रति सेकंड। तथा लोहे में कितना होती है? 5100 मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिध्वन। इको क्या होती है वो देखिए। यदि किसी ध्वनि स्रोत से किसी परावर्तक तल की दूरी डी हो तो ध्वनि को परावर्तक तल तक पहुंचाने तथा वापस आने में 2D दूरी तय करनी होगी। यदि प्रतिध्वनि स्मॉल टी सेकंड पश्चात सुनाई दे तो टी इक्वल टू 2D/V या ध्वनि की चाल भी इक्वल टू 2D/T होता है। फ्रेंड्स अब इस सिलेबस का महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है सरल आवर्त गति में कण की गति सदैव एक सरल रेखा पर होती है। सेकंड स्मृति में रखें कि सरल आवर्त गति में त्वरण ए इक्वल टू -ω² x होता है, जहां x विस्थापन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड पॉइंट है सरल लोलक का आवर्त काल टी इक्वल टू 2π√L/g होता है। फोर्थ है तरंगे मुक्त दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तथा अयांत्रिक। और इस सिलेबस में हम लोग पढ़े हैं पीछे कि तरंगे दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे यदि माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और ये ठोस तथा द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं उनकी सतहों पर। एंड सेकंड पढ़े हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, मीन्स जब माध्यम के कण तरंग की गति के अनुदिश होती हैं, दिशा में कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंगों को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। और ये तरंगे जैसे जो सितार होते हैं और गिटार होते हैं उनमें उत्पन्न की जाती है उनके स्प्रिंग में। फिफ्थ है ध्वनि तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य, ठीक है। एंड सिक्स है किसी माध्यम जिसका घनत्व स्मॉल डी है में ध्वनि का वेग भी प्रोपोर्शनल होता है 1/√g या भी इक्वल टू होता है √E/D, जहां ई माध्यम की प्रत्यास्थता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट समाप्त हुआ, अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। और इसका न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा पढ़िएगा। जैसे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की साम्य स्थिति से 4 मीटर की दूरी पर त्वरण 16 m/s² है, तो इसका आवर्त काल कितना होगा टी हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है डी या एल होती है, लंबाई है 4 cm है एंड ए इक्वल टू कितना दिया हुआ 16 m/s², ठीक है। इससे टी इक्वल टू हो जाएगा 2π√L/g होता है, इसलिए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, लंबाई 4 एंड त्वरण कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, इसलिए टी इक्वल टू 2π√। अब देखिए इसको डिस्कनेक्ट कीजिए, 4 × 16 होती है 1/4 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 एंड 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टी इक्वल टू पाई एंड पाई का वैल्यू 3.14 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल 440 m/s तथा तरंग की आवृत्ति 200 Hz है, ध्वनि की तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना करना है आपको। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लीजिए कि चाल 440 m/s दिया हुआ है एंड आवृत्ति 200 Hz दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से हमने इसको अलग कर लिया। एंड फाइंड भी क्या करना है उसको भी लिख लीजिए, लेमडा हमको फाइंड करना है। फार्मूला आप जानते हैं कि भी इक्वल टू एन इंटू लेमडा होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, देखिए हमको क्या मिल रहा है। तो भी का वैल्यू पुट कर दिए 440 = n का वैल्यू 200 × λ, इसलिए लेमडा इक्वल टू 440/200 हो जाएगा, 1 0 1 0 डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यदि इसको डिवाइड करें तो लेमडा इक्वल टू 22 m इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, एक तरंग की आवृत्ति 120 Hz है, यदि तरंग की चाल 480 m/s हो तो तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। मिस सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लीजिए, यानी इक्वल टू 120 Hz दिया हुआ है, ठीक है, एंड भी इक्वल टू 480 m/s दिया हुआ है। फाइंड हमको करना है लेमडा, ठीक है, तो फार्मूला जानते हैं, भी इक्वल टू एन इंटू लेमडा होता है, इसलिए लेमडा इक्वल टू भी अपन एन हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, भी का मान दिया हुआ 480, ठीक है, एंड एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 120, दोनों को रख दिए और देखिए 0 0 डिस्कनेक्ट कर दिए, 12 × 48, इसलिए लेमडा इक्वल टू 4 m आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स रेस की तरंग दैर्ध्य मॉर्निंग स्ट्रॉम है, यदि यक्स किरणों की चाल 3×10⁸ m/s हो तो इनकी आवृत्ति कितनी होगी। अब तक जितने हम न्यूमेरिकल लगाए उसमें लैम्डा फाइंड किए हैं, टी फाइंड किए हैं, अब हमको फाइंड करना है यन। तो उसी फार्मूले से सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लीजिए,
लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 इनवर्स 10 मीटर होता है, ठीक है। एंड भी इक्वल टू 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। एंड एन हमको फाइंड करना है, तो देखिए भी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा होता है, या एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंजिंग आप वो साइड कर देते हैं तो भी अपन लैम्डा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, एन इक्वल टू भी का मान 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड एंड लैम्डा का वैल्यू 10^-10, ठीक है। देखिए 10^-10 माइनस में ऊपर करेंगे 10^+10 हो जाएगा, इसलिए एन इक्वल टू 3×10^10+8, बेस सेम है इसलिए 10^18 और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है हर्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी समाप्त हुआ है, अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, मीन्स न्यूमेरिकल नंबर 7 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 13 तक, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। यदि आपको कमेंट करने में कोई तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, एक पेज निकालिए, जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसका कौन सा ऑप्शन सही है उस पेज पे लिख लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जितने भी आपको आंसर मिले हैं एक ही बार टाइप करके आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो चूजा हुआ ऑप्शन है वो सही है कि गलत है, ठीक है। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिए, ध्वनि का तीव्रता मापते हैं, ऑप्शन ए हर्ट्ज में, बी डेसिबल में, सी सेकंड में, एंड डी मीटर में, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, सरल लोलक का आवर्तकाल चंद्रमा पर ए शून्य हो जाएगा, बी घटेगा, सी बढ़ेगा, एंड डी समान रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है, ए उच्चतम, बी शून्य, सी अपरिवर्तित, एंड डी इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, ए जल में, बी हवा में, सी स्टील में, एंड डी निर्वात में, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूमेरिकल नंबर 11 है, जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है, ए तरंग दैर्ध्य, बी आवृत्ति, सी आयाम, एंड डी इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर 12 है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का ए आयतन कम हो, बी क्षेत्रफल कम हो, सी आयतन अधिक हो, एंड डी आयतन अधिक हो, मीन्स ये दोनों ऑप्शन एक ही का हो गया है, बाय मिस्टेक लिख गया है, डी को कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर 13 है, घड़ी सुइयों की गति होती है, ए दोलन गत, बी आवर्त गति, सी सरल आवर्त गति, एंड डी इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कवर किए हैं कि आवर्त गति क्या होती है, कंपनिक गति क्या होती है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वल टू होता है 2π√L/g, आप इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं। सेकेंड लोलक क्या होता है वो पढ़े हैं, सरल आवर्त गति क्या होती है वो भी पढ़े हैं, तरंग गति क्या होती है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तरंगों को से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़े हैं, और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं इसका भी स्टडी किए हैं, प्रतिध्वनि क्या होती है इसका भी स्टडी किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।